ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में चुनावी समय नजदीक आ रहा है, आचार संहिता एक या दो सप्ताह में लगने वाली है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों का लगातार प्रदेश दौरा सियासी हलचले बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन पहले ही जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करके गए थे, अब 6 दिन बाद वह फिर से राजस्थान आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जयपुर पधारे थे। यहां उन्होंने अन्य केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों एवं अन्य नेताओं से कई बातों को लेकर चर्चा की है। साथ ही पार्टी की परिवर्तन यात्राओं में कई जगहों पर भीड़ न जुटने पर नाराजगी भी जताई है। प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी और अन्य बातों पर भी नड्डा शाह नाराज नजर आए हैं और बिना कोई बैठक लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जिस तरह से परिवर्तन यात्राओं में कई जगह भीड़ नहीं जुटी, स्थानीय नेताओं ने परिवर्तन यात्रा में जोर शोर से हिस्सा नहीं लिया और प्रदेश स्तर पर नेताओं के बीच चल रही आपसी प्रतिस्पर्धा को लेकर नड्डा व शाह दोनों प्रदेश कार्यकारिणी से नाराज दिखे। नड्डा और शाह ने स्थानीय नेताओं को नसीहत दी है, इसके साथ ही मिलजुल कर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा है। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, चुनाव प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी विजया राठकर, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे। बैठकों का दौर देर रात तक जारी रहा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी भी 3 दिवस पहले गुलाबी नगरी जयपुर पधारे थे, जहां उन्होंने दादिया में हुई जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला किया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस को आतंकी पर मेहरबान होने वाली पार्टी कहकर पुकारा था। पीएम मोदी ने राजस्थान की गहलोत सरकार में पेपर लीक, कन्हैयालाल हत्याकांड, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण पर बोलते हुए कहा था कि यहां की सरकार पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण देती है। पीएम ने राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। पीएम मोदी ने प्रदेश में जीत का दावा करते हुए मंच से कहा कि अब चिंता की बात नहीं है, आपकी चिंता करने वाली भाजपा सरकार जल्द आने वाली है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।